पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की रैली के बाद आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से प्रत्याशी पूजा अमरोही उत्साह से भरी नजर आईं। यहां उन्होंने भारी भीड़ को देखकर उन्होंने दावा किया कि इस बार बाजी पलट सकती है और आगरा से लेकर दिल्ली तक की कुर्सी पर बसपा काबिज हो सकती है। 7 तारीख को होने वाले मतदान के अंतिम क्षणों में जिस तरह से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने यहां रैली की, उससे कार्यकर्ताओं में एक नया जोश व उत्साह साफ नज़र आ रहा है। साथ ही प्रत्याशियों की जो मेहनत है उसमें कहीं ना कहीं कई गुना हम कह सकते हैं कि और जोश पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती भर गई हैं। बात करते हैं हमारे साथ आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से प्रत्याशी पूजा अमरोही जी से। पूजा जी, आज की रैली जिस तरह से रही और भीड़ जनसैलाब जो उमड़ा, उससे क्या मानते हैं, किस तरह का ये चुनाव करवट लेगा? धन्यवाद। आपने देखा अभी हमारी माननीय बहन जी आई थी तो आपने देखा कितना जनता में जोश और उमंग के साथ बहन जी का स्वागत किया गया और एक नया भरपूर जोश के साथ हम चुनाव के मैदान में। और इस बार हमें हर समाज का, हर वर्ग का, सबका हमें समर्थन मिल रहा है। और संगठन, जैसा हमारी बहन जी ने बताया, हमारा संगठन हमारा आपसी भाईचारे का संगठन है, हमारा युवाओं के साथ संगठन है, हमारा महिलाओं के साथ संगठन है, हमारा किसानों के साथ गठबंधन है। हम ऐसे गठबंधन को मानते हैं। तो इस बार आप देख रहे हैं चुनाव के धरातल पे हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और दिखाई भी दे रहे हैं मैदान में। और यकीन मानिए, आगरा की सीट निकलेगी और माननीय बहन जी को हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिल्ली में अपना पूरा झंडा। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आधा दर्जन से अधिक सभाएं आगरा में कर चुके हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, ऐसे में आज की ये सभा, उनका जो बनाया हुआ करंट है, क्या उस पर कुछ प्रभाव बना पाएगी? उनकी रैली, कई रैलियों को और एक हमारी माननीय बहन जी की रैली में आप फ़र्क देख सकते हैं। सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर सड़कों तक भीड़ थी, दोनों तरफ इतनी भीड़ थी कि हमारा पंडाल छोटा पड़ गया। हजारों लोग बाहर खड़े थे, दोनों तरफ, बाहर की तरफ खड़े थे, हजारों तरफ, क्योंकि हमारा पंडाल छोटा पड़ गया। और अभी तक पहले जितनी रैलियाँ हुई हैं आधी से ज़्यादा कुर्सियाँ खाली रही हैं। तो बहन जी का, हमारी बहन जी का जलवा है, बहुजन समाज पार्टी का जलवा है। पूरा भाषण में जो उनका एक खास बात रही, जो पिछले कई वर्षों से जो राशन मुफ्त दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहन जी ने कहा कि उस पर कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना है कि कहीं उस राशन के बदले वोट ना मांगे, तो वो उसके लिए जनता को किस तरह से आप कन्विंस करेंगे? वो लोग बहकाते हैं राशन पर, हम लोग बात करते हैं शिक्षा पर, जो वो बात नहीं, हम करते हैं रोज़गार पर। हम राशन पे क्यों, 5 किलो राशन हर महीने क्यों, हमें रोज़गार दिया जाए, हम इस लायक बन सकें कि रोज़ का 50 किलो राशन लायक रोज़ कमा सकें, हमें इस लायक बनाया जाता है। हम रोज़गार चाहते हैं, हमारी सुरक्षा है, हमारी प्राथमिकता है। तो प्राथमिकताओं पर बात करें ना, और राशन के लिए ठीक कहा उन्होंने कि अगर पूरे देश को भिखारी नहीं बनाया जा सकता जो राशन पर रहे। कहाँ 30-35 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को राशन होता था, 80 करोड़ लोगों को राशन के लिए वो छाती ठोक के कह रहे हैं। ये शर्म की बात है, ये कोई गर्व की बात नहीं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये जो बार बार कह रहे हैं, ये शर्म की बात है कि 80 करोड़ लोग आपने गरीबी रेखा के नीचे कर दिए आपके राज में, और ये भी, इसको भी आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को उम्मीद है कि उनकी जो योजनाएं हैं वे ज़्यादा कारगर साबित नहीं होंगी और कहीं ना कहीं आम जनता रोजगार, शिक्षा, महंगाई, इनको ध्यान में रखते हुए वोट डालेगी। अपने साथी हरिओम के साथ जसबीर सिंह, मून न्यूज़।